हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ इज। मोमेंट ऑफ इज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बर्नौली और न्यूटन के बीच का जो एक अच्छी सी फिजिक्स हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरी उसको जो है हम लोग समझते हैं और काफी अच्छे से ये वीडियो काफी अच्छे होने वाली है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर आप लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस कहानी का जो हमारा टाइटल है वो आप ये कह सकते हो न्यूटन्स लाइन लाइन क्लॉक। तो न्यूटन्स लाइन क्लॉक का मतलब क्या है यहाँ पर, ये कहानी जब आप सुनेंगे तब आपको जो है काफी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दो लोगों के बीच में, एक जो है न्यूटन और दूसरे बर्नौली। न्यूटन और बर्नौली के बीच की ये जो है एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस स्टोरी का जो स्टार्टिंग होती है वो होती है आज के ही दिन से, यानी कि आज ही के दिन। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी 1697 को आज ही के दिन न्यूटन को एक लेटर मिला था बर्नौली की तरफ से। न्यूटन को एक लेटर मिला था बर्नौली की तरफ से आज ही के दिन 26 जनवरी 1697 को। तो उस लेटर में बर्नौली ने न्यूटन को एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम दी थी और कहा था कि आप इसको 6 महीने में सॉल्व करिए। यानी कि जो बर्नौली ने जो टाइम दिया था वो बेसिकली 6 महीने का दिया था कि आप इसको 6 महीने में सॉल्व करिए। एक चैलेंजिंग सी प्रॉब्लम दी थी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो उस प्रॉब्लम का नाम था ब्रैकेस्टोक्रोन प्रॉब्लम। बर्नौली साहब ने न्यूटन को दे दी, ठीक है। न्यूटन ने लेटर को ओपन किया, 6 महीने का टाइम था सॉल्व करने का। अब यकीन जाइए जानिए, न्यूटन की ग्रेटनेस आपको यहीं से पता चलेगी कि उसने उसी रात सोने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा और फिर वो मजे से आराम से न्यूटन, यानी कि सर आइजैक न्यूटन आराम से सो गए। तो इतना जबरदस्त जो है न्यूटन के अंदर क्वालिटी थी, जिस प्रॉब्लम इतनी टफ प्रॉब्लम थी जिसके लिए 6 महीने का टाइम मिला था, तो उसको जो है उन्होंने सिर्फ 2-4 घंटों में ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। रात में सोने से पहले ही लेटर पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, ब्रैकेस्टोक्रोन प्रॉब्लम ये काफी मजेदार प्रॉब्लम है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको काफी मजा आएगा। ये ब्रैकेस्टोक्रोन प्रॉब्लम है, तो कभी मैं इस पर भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप अपना व्यू बताएंगे कि आपको मतलब इस पे इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं क्या, ब्रैकेस्टोक्रोन प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक पार्टिकल को हमने यहां से छोड़ा वो इस पास से आ रहा है, एक पार्टिकल को हमने यहां छोड़ा वो इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है। जाहिर सी बात है ये ए से बी आने के ये दो रास्ते हैं। तो अगर हमारा यहां पर ये मान लीजिए ए से बी यहां पर आ रहा है तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये अगर साइक्लॉइड है वो स्ट्रेट लाइन है और यहां पर हमारा साइक्लॉइड है, तो अगर ये हमारा कर्वेचर हो जाता है तो टाइमिंग नीचे बॉल पहले आएगी। अगर आप क्या सोचोगे कि ऊपर वाली बॉल पहले आएगी, तो बेसिकली नीचे वाली बॉल पहले नीचे पहुंचती रहेगी। तो यही ब्रैकेस्टोक्रोन प्रॉब्लम है जिसको न्यूटन ने सॉल्व कर दिया था। तो जब इसको पता चला, बर्नौली को पता चला कि न्यूटन ने सॉल्व कर दिया है, जिस भी तरीके से पता चला हो, तो बर्नौली ने न्यूटन के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त, और फिर इसको पब्लिश भी किया गया था, ठीक है। बर्नौली ने न्यूटन के बारे में एक बहुत जबरदस्त बात कही कि वी कैन रिकॉग्नाइज द लाइन बाय हिज क्लॉ। न्यूटन के बारे में कहा, यानी कि शेर के पंजे के से जो है हम पहचानते हैं, जो हम लोग पहचानेंगे न्यूटन को, कि मतलब शेर का पंजा, ऐसे कोई प्रॉब्लम दे दो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। तो ये बात है। अब इस इंटरेस्टिंग कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको काफी मजा आने वाला है। आइजैक न्यूटन साहब ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एक नई मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स की एक नई ब्रांच बना दी जिसको कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस बोलते हैं। एक नई जो है लॉन्च हो गई मैथमेटिक्स की ब्रांच, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हाँ बर्नौली के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं, नाम सुना होगा। अभी और आगे इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं जीन बर्नौली की। किसकी बात करने वाले हैं, जीन बर्नौली की। तो जीन बर्नौली साहब एक स्विस मैथमेटिशियन है और इनका ये जन्म और ये मृत्यु तिथियां लिखी हुई हैं आपके सामने, डेट्स लिखी हुई हैं। क्या आप इनको वही बर्नौली प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, क्या यही जीन बर्नौली साहब ने दिया था, इसके बारे में हम लोग आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जीन बर्नौली साहब को जॉन बर्नौली भी कहते हैं, तो कभी कभी जॉन बर्नौली भी कहते हैं और या जोहन बर्नौली भी कहते हैं। तो इनके बेसिकली जीन कहो, जॉन कहो या जोहन कहो, तीनों नाम इनके हैं, जॉन, जीन, जोहन बर्नौली साहब। तो इन्होंने कहा,
अच्छा, ये काफी बड़े मैथमेटिशियन थे, ये काफी जो है बड़े मैथमेटिशियन थे। तो और इनके जो है, जो इन्होंने लिबनिट साहब से पत्राचार किया था, यानी कि लेटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स या जो कुछ भी डिस्कशन किया हो, तो उनके जो लेटर्स का संग्रह है वो भी पब्लिश है। तो ये उसके बारे में जो पब्लिश हुआ था, उनके लेटर्स का संग्रह है, जो एक दूसरे से बात करते थे। तो लिबनिट्स कितने बड़े मैथमेटिशियन है, तो बर्नौली, जीन बर्नौली साहब का भी यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या ये जो बर्नौली प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स है, क्या ये यही जॉन बर्नौली यानी कि जीन बर्नौली साहब ने दिया है, क्या ये वही बर्नौली है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये वो बर्नौली नहीं है। ये बर्नौली प्रिंसिपल दिया था डैनियल बर्नौली साहब ने। किसने दिया था? डैनियल बर्नौली साहब ने दिया था। ये एक स्विस मैथमेटिशियन है और फिजिसिस्ट है। और मैं आपको इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि जो जिन्होंने न्यूटन को चैलेंजिंग प्रॉब्लम भेजी थी, यानी कि जीन बर्नौली, तो उनके बेटे हैं डैनियल बर्नौली। और ये पूरा खानदान बर्नौली का खानदान, यानी कि बर्नौली की फैमिली बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये पूरी खानदान में इनके मैथमेटिशियन भरे हुए हैं। सबसे पहले निकोलस बर्नौली, उनकी बेटे, तो जिनका सबसे ज्यादा नाम है, तो वो जैकब बर्नौली। इन्होंने बहुत कैलकुलस में योगदान दिया, जैकब बर्नौली साहब ने, और जोहन बर्नौली, जिन्होंने न्यूटन को चैलेंजिंग प्रॉब्लम भेजी थी। और ये जो जैकब बर्नौली साहब के एक बेटे हुए हैं डैनियल बर्नौली, तो वही सॉरी जोहन जॉन जीन बर्नौली के, ठीक है? तो जॉन बर्नौली और के बेटे डैनियल बर्नौली और जैकब बर्नौली और जोहन बर्नौली भाई भाई थे, और निकोलस बर्नौली थे। बर्नौली फैमिली का एक फैमिली ट्री मैंने बता दिया है। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई है न्यूटन और बर्नौली की, ये आपको कैसे लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस तरीके की और भी कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो उसके लिए आप लोग फिजिक्स की, हिस्ट्री की, ये जो हम लोग एक चला रहे हैं, तो इस पे अगर आपको पसंद आए तो जरूर से जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपको पता चलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज जो है एंड करते हैं आज के सेशन को, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है? डन, चलिए। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जय फिजिक्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एवरीवन, जय फिजिक्स।